हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से। दोस्तों, हम जो ये वीडियो लेकर के आए हैं, ये जो है अब लगातार आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। ये पार्ट वन है एनसीईआरटी की। एक एक लाइन से हमने एमसीक्यूज उठाए हैं जो फ्रेंड्स आपके नीट एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आप सभी जानते हैं एनटीए जब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, आपके सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से ही लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नीट क्रैक करना है, बायोलॉजी के अंदर 360 में से 360 चाहिए है, तो हम जो है आने वाले 30 से 40 दिनों में हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे, जिससे कि फ्रेंड्स आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके एमसीक्यूज हम लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। आप यहां पर चार ऑप्शन देख रहे हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन है, ये वाला जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थवर्म, टैपवर्म, हाउस फ्लाई, फ्रॉग। अर्थवर्म, टैपवर्म, सी हॉर्स, हाउस फ्लाई, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो डी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, अर्थवर्म, टैपवर्म, लीच एंड स्पंज। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो बायोसेक्सुअल एलिमल ओनली। बायोसेक्सुअल एनिमल ओनली कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो राइट आंसर है सी, अर्थवर्म, स्पंज एंड लीच। फ्रेंड्स अगर इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकोरेक्ट वन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन, स्पंज एंड सिलेंट्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये ऊपर देख सकते हैं, लीचीज एंड टैपवर्म आर बायोसेक्सुअल एनिमल, पपायाज एंड डेट पाम आर डाइसीसस प्लांट्स, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स आर मोनोसियस प्लांट्स। ये तीनों बिल्कुल राइट है, लेकिन डी ऑप्शन जो है ये आपका इनकोरेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव, मियोसिस डज नॉट अकर इन। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो मियोसिस किस में नहीं होती है, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड इंडिविजुअल के अंदर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड में भी होती है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड में भी होती है, लेकिन ए सेक्सुअली से डिप्लॉइड जो होता है उसमें नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ए डिप्लॉइड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस। फ्रेंड्स डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी बार ये जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ए डिप्लॉइड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमिट्स एंड ए हैप्लॉइड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमिट्स। तो दोनों ही हैप्लॉइड आ जाएगा, तो आंसर डी जो है इसका राइट आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओफियोग्लोसम, जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, इन ए मेज ए मियोसिट हैज 20 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बटरफ्लाई हैज़ क्रोमोसोम नंबर 360 इन इट्स मियोसिट 2n, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स गैमिट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 190, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इन फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर नॉन मोटाइल, द मेथड टू ब्रिंग दैम टूगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिनेशन जो है एक मेथड होता है। इसके बाद है, इन विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स सेपल्स डू नॉट फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड रिमेन अटैच टू द फ्रूट। तो ब्रिंजल के अंदर जो है ऐसा होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द लेबल्ड पार्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टोमेटो फ्रूट इज आर डिप्लॉइड। इसमें से कौन सा पार्ट डिप्लॉइड है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा बोथ एक्स एंड वाई, मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों के दोनों क्या है? डिप्लॉइड है। क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म्स। तो इसका आ जाएगा पेरिकार्प एंड फ्रूट वॉल, दोनों ही। द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म क्या क्या बनाती है? पेरिकार्प और फ्रूट वॉल। तो ए एंड बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोजेस एग्जैक्ट कॉपी जो पेरेंटल डीएनए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
द मेल गैमिट्स ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस। द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमिट जाइगोट एंड द सेल्स ऑफ द सीडिंग विल बी रिस्पेक्टिवली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 24 24, सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगुलस फ्रॉम द नोड्स ऑफ प्लांट सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज नोड्स हैव मेरिस्टमेटिक सेल्स। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन जो है, देर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडोप्टेड बाई एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन। तो इस किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ये करता है डिपेंड्स द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड जेनेटिक मेकअप। इसके बाद है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप सेल्स ऑफ ए मेज प्लांट इज 20। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्कोप मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट सेल बी। तो बी इसका बी सी आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। तो जुवेनाइल फेज भी होता है और वेजिटेटिव फेज भी होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। सेलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो बंबू जो है ये मोनोकार्पिक प्लांट है, आप सभी जानते हैं। क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेजेज कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन द पेरेनियल प्लांट्स। इसके बाद है, स्टोविलेंट्स कुंथीना फ्लावर वंस इन 12 ईयर में जो है वंस एक बार होता है ये। स्टोविलेंथस कुंथीना डिफर फ्रॉम बैम्बू इन लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज। बी आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा। ओस्टर साइकिल इज रिपोर्टेड इन, किसके अंदर रिपोर्टेड की गई है ये, काउ एंड शीप के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज मेंस्ट्रुअल साइकिल। गोरिल्ला एंड चिंपैंजी बिल्कुल, मंकीज एंड ह्यूमंस बिल्कुल, और ग्यूटेंस एंड मंकीज बिल्कुल। तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। सेंसेंट फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पान कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। स्लो मेटाबॉलिज्म भी होता है, सेसेशन ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है, डिक्रीज इम्यूनिटी भी होती है। इसके बाद है 29, इफ ए फंगल थैलस हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट विल बी कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या जाए दोस्तों, होमोथैलिक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, स्टेमिनेट फ्लावर इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स, एंथेरेजॉइड्स। इसके बाद है, सिंगल सेल्ड एनिमल आर सेड टू बी इमोर्टल बिकॉज, क्यों फ्रेंड्स क्यों इमोर्टल कहा जाता है, बिकॉज दे कंटिन्यू टू लिव एज देयर टोटल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान, तो आप सभी जानते हैं बनियन ट्री जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होता है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंजेज द गिवन ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ। तो पहले फ्रूट फ्लाई, फिर क्रोकोडाइल, फिर पैरेट, फिर बनियन ट्री तो लास्ट में आना ही है। तो ए और सी में से आंसर होना था, ये बात आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। डैश इज ए लाइफ प्रोसेस दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल बट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन चैप्टर ही रिप्रोडक्शन है, तो आंसर भी रिप्रोडक्शन ही आना था। क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक मेकअप। क्लोन्स के सेम जेनेटिक मेकअप होंगे, सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया, तो बाइनरी फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर ऑफ मोनीरा प्लांटी एंड एनिमिलिया, तीनों के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डुप्लीकेटेड, तो न्यूक्लियस जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द टर्म यूज फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो इसका डी आंसर जो है राइट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो एंथ्रेजॉइड जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड्स इट मैक्सिमम लाइफ स्पान। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ये क्या है, ये क्रो है, इसका लाइफ स्पान आप सभी जानते हैं 15 ईयर्स होता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज टू प्लांट्स इन विच न्यू प्लांटलेट्स राइज फ्रॉम द सेम ऑर्गन। इसका राइट आंसर आ जाएगा पोटैटो एंड शुगर केन, डी ऑप्शन। रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई एक्स इन इट। ये जो है आपको ये वाला पार्ट जो पता करना है, एक्स वाला जो ये और ये दिखाया गया है, तो ये फ्रेंड्स आइज हो जाएगी। फ्लैशी बर्ड्स प्रोड्यूस इन द एक्सिल ऑफ लीव्स विच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन सेड एंड फॉल ऑन ग्राउंड और कोल्ड। तो इसका आ जाएगा बुलबिल्स, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इन विच वन बोथ द प्लांट कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड बाई लीव पीसीज, तो ब्रायोफाइलम एंड करेंचियो। आइडेंटिफाइड द गिवन वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, ये कौन सी है फ्रेंड्स, ये बुलबिल है, बिल्कुल सिंपल, ये तो आप पहला ही चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन अ लीफ सेल ऑफ अगेव हैज एक्स क्रोमोसोम्स, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल ऑफ इट्स बुलबिल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक्स जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लॉविंग कैन नॉट सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, तो ए मिडल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड, बी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल मेथड, इस प्रकार दिए गए हैं। फ्रेंड इसका जो है लायरिंग एंड बुलबिल्स जो है हो जाएगा राइट आंसर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड मोर बेनिफिशियल देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, तो फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट असिस्ट इन इवोल्यूशन बाई प्रोड्यूसिंग वेरिएशन, रैपिडली मल्टीपली अप्लाइज करता है, फर्टिलाइजेशन इज चांस फैक्टर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाई एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, तो तीनों गलत है, ये जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस होता है। फ्रेंड्स काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर इन फ्यूकस फ्यूनेरिया मर्सिलिया, इन तीनों में किसी में भी ये नहीं होता है। स्पाइरोगायरा इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एल्गा इन विच वेजिटेटिव थैलस इज हैप्लोइड, इन स्पाइरोगायरा मियोसिस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, सी आ जाएगा, अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद लाइफ बिगिन इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एज सिंगल सेल जाइगोट, ये तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं सिंगल सेल जाइगोट से ही लाइफ बिगिन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज यूजुअली बाई पेरेंटल। ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ सर्वाइवल एज कम्पेयर टू दोज ऑफ विवीपोरस एनिमल बिकॉज, इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, एम्ब्रियो डज नॉट डेवलप कम्प्लीटली। डिपोजिशन ऑफ कैलकेरस सेल अराउंड जाइगोट अकर्स इन, तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज विवीपोरस एनिमल्स ओनली, तो फ्रेंड्स व्हेल एंड माउस जो डी आंसर जो है इसका राइट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, तो ऑर्निथोहाइनस एंड इकिडिना एंड साथ में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, बेलिनोपटेरा एंड होमोसेपियंस, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी। वीवी पैरिटी इज फाउंड इन सार्स के अंदर जो वीवी पैरिटी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो है पहले चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं तो फर्स्ट चैप्टर में से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही अन्य सीरीज भी हमारी आती रहेगी फ्रेंड्स। इस वीडियो का पार्ट टू भी जल्दी आएगा सेकेंड चैप्टर के साथ, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।